पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सुल्तानपुर लोधी को देंगे सौगात, वर्चुअली कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन, मौके पर मौजूद रहेंगे इलाके के विधायक। चंडीगढ़ में आज शिरोमणि अकाली दल कोर कमेटी की अहम बैठक, निकाय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर होगी चर्चा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत कई मसलों पर बातचीत संभव। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे के खिलाफ पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अलग अलग जिला मुख्यालयों पर करेंगे प्रदर्शन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को जल्द बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, पार्टी हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने वाला था लेकिन किसान आंदोलन के चलते ये नहीं हो सका। किसानों के हित में कृषि कानून, दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में बोले पीएम मोदी, नेताओं को दिए जनता को फायदे बताने के निर्देश। नीति आयोग की बैठक में मैंने अपनी स्पीच पेश करके प्रमुखता से उठाया किसानों का मुद्दा, आयोग के वाइस चेयरमैन के बयान पर हैरानी जताते हुए बोले पंजाब के सीएम कैप्टन। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने पंजाब में घटते जल स्तर को लेकर पंजाब सरकार को घेरा, कहा पंजाब में जल गहरा सकता है, पीने के पानी का संकट। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने होशियारपुर के दसुआ में किसान पिता पुत्र की मौत से आहत परिवार से मुलाकात की, सुखबीर बादल ने जा सीएम कैप्टन पर किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर धोखा देने का आरोप लगाया, कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। फरीदकोट में गुरलाल सिंह हत्या मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा, 9 फरवरी को सिंघू बॉर्डर पर थी गुरलाल की हत्या की साजिश। चंडीगढ़ बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा लेकर चली थी लेकिन जनता ने उन्हें ही हटा दिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू पहुंचकर लिया विकास कार्यों का जायजा, बोले 150 करोड़ की लागत से नहरों का होगा जीर्णोद्धार, हर महीने कुल मॉनिटरिंग करने की कही बात। भिवानी में सीएम फ्लाइंग टीम ने अवैध अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, टीम ने 450 लीटर स्प्रिट, 80 लीटर फ्लेवर, 230 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद। चरखी दादरी के उपायुक्त राजेश जोगपाल ने दादरी जिले के झोझो कला खंड के समाज शिक्षा और पंचायत अधिकारी सुरेंद्र सिंह को निलंबित किया। हरियाणा में लिंग जांच और भ्रूण हत्या के मामलों का बड़ा खुलासा हुआ, पलवल में स्वास्थ्य विभाग और कैंप थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पीएनडीटी एक्ट के तहत चार आरोपियों को धर दबोचा। अंबाला शहर के काकरो गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मृतक लड़की के परिवार ने हत्या किए जाने की जताई आशंका। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के बाली ट्रेकी में कहा कि प्रदेश सरकार ने रेशम किट पालन क्षेत्र से जुड़े लोगों की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमीरपुर के समीपुर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने निवास स्थान पर जन समस्याएं सुनी। ऊना में कैबिनेट मंत्री वरिंद्र कुंवर ने समूरकला और ढोगी में 410 लाभार्थियों को इंडक्शन हीटर और 435 साइकिल वितरित की। बिलासपुर के धनों के पास गहरी खाई में गिरी कार, कार सवार तीन बच्चों समेत कुल 7 लोग घायल। जिला मुख्यालय नान के ऐतिहासिक चौगान मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलकूद में आगे आने के लिए प्रेरित करना। सिरसा शहर के बस स्टैंड पर सिरसा से चंडीगढ़ जाने बस में सवार एक विवाहिता के बैग में गहने और हजारों रुपए की नकदी चोरी की गई। मानसा में लोगों को पंजाबी माँ बोली के प्रति जागरूक किया गया, 6 फीट ऊंची पंजाबी 35 लिखी पट्टी, शुद्ध पंजाब पुरानी कलम और दवात को प्रदर्शित किया गया। आज एक बार फिर से असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, असम में तेल और गैस परियोजना राष्ट्र को करेंगे संबोधित। पुडुचेरी में डगमगाई कांग्रेस सरकार, आज होगा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। कोयला तस्करी केस में अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई का नोटिस, ममता की भतीजे ने कहा हम वो नहीं जो डर कर छुप जाए। कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना पर केंद्र ने राज्यों को दी जांच बढ़ाने की हिदायत, कहा कंटेनमेंट जोन की रणनीति पर ना बरती जाए लापरवाही। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला, सभी तरह के आयोजन पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बाद फारूक अब्दुल्ला भी बोले चीन की तरह पाकिस्तान से भी की जाए बात। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है पाकिस्तान, भारत के पक्ष में एकजुट यूरोपीय देश। तमिलनाडु के कोयंबटूर से आई शर्मनाक तस्वीर, हाथी को बांधकर की गई पिटाई।